हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे टिप्स लाए हैं कि जिससे आपकी सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप है चार्जर को लेके। तो मोबाइल चार्जर हम तो यूज़ हमेशा करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। और जो वाइट कलर के होते हैं या ब्लैक हों, गंदगी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें इसको कैसे साफ़ करना है इसकी मैं ट्रिक बताऊँगी, जो कि बहुत चमकने लगेगा आपका चार्जर। तो यहाँ देखिए, मैंने सैनिटाइज़र लिया है और थोड़ा सा कॉटन लेंगे और उससे अपने चार्जर पर रगड़ लेंगे। तो देखिए, ऐसे मैं रगड़ रही हूँ और धीरे धीरे मेरे दाग भी छूट जाएंगे और ये एकदम चमकने लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ऊपर का साफ़ कर लिया है। अब मैं इसी तरह अपना जो नीचे का सिरा है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है अगर आप साफ़ करेंगे अपना चार्जर। तो देखिएगा कितनी ज़्यादा मैल निकलती है, पता नहीं चलता है हमें, लेकिन हमारे ये सब चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही गंदा निकला है और मेरा चार्जर अब चमकने लगा है और इसमें जो कीटाणु रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चार हाथ लगता है चार्जर। तो अगर आपका चार्जर भी गंदा है तो इसी तरह आप साफ़ कर सकते हैं। दूसरी टिप है मेरी कान की, जो हम पहनते हैं बालियाँ या टॉप्स उसके लिए। तो बहुत लोगों का होता है कि कान में पहनते ही दर्द होने लगता है, चाहे वो सोने का हो या पीतल का हो, कोई भी हो। तो उसके लिए आप क्या करें कि दो लहसुन की कलियां ले लें और एक एक में टैप कर लें। तो देखिए, यहाँ मैंने दोनों में डाल दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद आप इसको पहनेंगे तो आपका कान में कोई दर्द नहीं होगा। आप इसको एक बार ज़रूर आजमाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे भी कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, चाहे मैं गोल्ड पहनूँ या कोई भी पहनूँ। तो ऐसे करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से मेरा पड़ा रहता है, दर्द नहीं होता है। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स है मेरी प्याज को लेके। तो जब भी हम प्याज काटते हैं तो कभी कभी हमें आधा ही यूज़ करना होता है, आधा बच जाता है, तो इसमें से स्मेल आने लगती है। तो हम इसे कैसे रखें कि स्मेल भी ना आए और ख़राब ना हो हमारा प्याज, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊँगी। तो हमें लेना है थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर लगा देना है। तो देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। आप ऑयल की जगह नमक भी लगा सकते हैं। और फिर लगाने के बाद इसको एक डिब्बे में रखिए और ढक्कन लगा के उसको फ्रिज में डाल दीजिए। आप इसको 3 से 4 घंटे बाद भी यूज़ करेंगे तो ये एकदम ताज़ा फ्रेश रहेगा। तो आई होप आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी हो। अगली टिप्स है मेरी लहसुन के स्टोर को लेके। तो जब भी हम लहसुन ख़रीदते हैं तो उसको रखने पे क्या होता है कि ये जमने लगता है। तो इसको हम कैसे रखें कि ये बिल्कुल फ्रेश रहे, एक भी इसमें से जमे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या करें कि कोई भी एक सूजा ले लें या पेचकस ले लें, उसमें क्या करें कि एक लहसुन को ऐसे नीचे से डाल लें लहसुन के अंदर। तो देखिए, ऐसे मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे गैस के पास। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन किया है और इस पर हम इसका जो ऊपर से निकला हुआ सिरा है इसको हम थोड़ा सा जला लेंगे। तो लहसुन जब भी हमारा जमता है ना तो इसी की वजह से जमता है, अगर इसको हम जला लेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा लहसुन बहुत अच्छा वैसे के वैसे रहेगा। तो ऐसे ही करके आप लहसुन को स्टोर करेंगे तो आपका लहसुन हमेशा अच्छे से रहेगा, वो कभी भी जमेगा नहीं। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करिए अगर आप थोड़ा लहसुन रखते हो तो। अगर बहुत ज़्यादा रखते हो तो आप गैस की जगह मोमबत्ती से भी जला सकते हैं और उससे भी यूज़ करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।